शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छोड़िए मुझे, सब बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया सब। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो बस शांत हो जाओ और चलो घर के अंदर, चलो चलो चलो। घर कौन सा घर? इसकी वजह से टूट गया हमारा घर। अबे मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कीजिए और चलिए अब घर, चलिए प्लीज चलिए। अरे बस ही तो कर दिया मैंने, पहले वरुण ने तुम्हें मेरे साथ बचा दिया, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। अरे यार मैं हुई क्या धरती पे बोझ के अलावा, मैं हूँ क्या? अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर तुम ऐसे चलाओगे तो मोहल्ले वाले जाग जाएंगे, क्या सोचेंगे वो, बस करो और अंदर चलो। मम्मी आपको कब से मोहल्ले वालों की चिंता हो गई, आपने तब नहीं सोचा कि अपने निकम्मे नकारा बेटे की शादी इस कमाऊ लड़की से कर दी, तब क्यों नहीं सोचा आपने मोहल्ले वालों का? अबे ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुम क्यों माफी मांग रही, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलत मैं हूं, हमेशा की तरह मैं। तुम तो देवी हो देवी, और देवी को तो पैर पड़ के माफी मांगनी चाहिए। अरे श्रद्धा देवी, उठिए उठिए भाई, क्या कर रहे हैं आप? अभय उठिए, अरे मुझे माफ कर दो यार, मुझ जैसे नकारे से शादी हो गई तुम्हारी, अरे मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। भैया कुछ तो कीजिए, रोकिए इस तमाशे को। वरुण की एक बेवकूफी ने सबके साथ अभी की जिंदगी भी पलट दी है, अब उसे क्या समझाऊं जिसके साथ नाइंसाफी हो चुकी है। अबे पहले तो घर से आवाजें आती थी, अब मोहल्ले में तमाशा शुरू कर दिया इन्होंने। कौन बोला बे? अरे हमारे वरुण भैया, अगर श्रद्धा देवी है ना तो हमारे वरुण भैया भगवान है, और हम है उनकी कठपुतली, जिसकी किस्मत चाहे वैसे नचा सकते हैं ये। मुझे तो लगा था जीवन किस्मत की लकीरों से चलता है, पर हमारे वरुण भैया भगवान बनके हमारी किस्मत खुद लिख रहे हैं। ये बस क्या कर रहे हैं भाई, संभालिए अपने आप को, बस कीजिए। तुम्हें हमारी शादी बोझ लगती है ना, तुम्हारे पापा तो यही बोल के गए कि मुझसे शादी तुम्हारी किस्मत के साथ खिलवाड़ है। क्यों ये सब कह रहे हैं अब, इतना गलत क्यों समझ रहे हैं आप? मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, अरे यार मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, अरे मुझसे कितना अच्छा लड़का मिल जाता तुम्हें, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी,
तुम्हें तो पता थी, तो फिर क्यों छुपाई मुझसे? अरे भाई साहब, ये आपकी धर्म पत्नी है ना? हाँ, क्यों? आप दोनों एक दूसरे से बातें छुपाते हो क्या? नहीं, सब बता देते हो। सब बता देते हैं। वो गलत करते हो। मैंने तो यही सीखा है कि कुछ मत बताओ। जब बहुत बड़ी बात हो ना, वो तो किसी को नहीं बतानी। अबे बस कीजिए ये सब और घर चलिए। नहीं जाऊंगा, अब यही मेरा घर है, यही बैठूंगा। अरे अरे अबे, यही बैठूंगा मैं, नहीं जाऊंगा। मोहल्ले में तमाशे किए बिना घर वालों को चैन नहीं है। देखो, हम ज्यादा गुस्सा हो जाए उससे पहले चलो चलो। मैं डर गया। अब ये नलायक जहां बैठ गया सो बैठ गया, नहीं जाऊंगा कहीं। अबे छोड़िए इसे, बोतल छोड़िए, छोड़िए इसे। नहीं दूंगा, नहीं। छोड़िए इधर, वापस कीजिए। अब यही तो एक सहारा है मेरा, इसी पे विश्वास है मुझे बस। अब है बस कीजिए, छोड़िए इसे, ये बोतल छोड़िए, छोड़िए इसे। नहीं छोड़ूंगा। अबे ये क्या किया? अबे मेरी बोतल तोड़ दी। कैसा अजीब परिवार है, बंद कमरे के झगड़े सबके सामने करने की आदत पड़ गई है इनकी। जब किसी की शादी किसी और के साथ होनी थी तो यही होगा। अरे लड़की में जरूर कोई कमी हो गई, इसलिए शादी में भी ऐसे ही हुआ होगा। इस बेचारे की हालत तो देखो। कौन बोला मैं? कौन बोला? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी के बारे में बोलने की? कुछ भी अनाप शराब बोलेगा क्या? ओ भाई, हिम्मत दिखाने का बढ़ावा तो तुमने ही दिया है ना, जो मोहल्ले में तमाशा करने बैठ गए हो। मेरी बीवी सबसे ज्यादा संस्कारी, सुशील, सबसे अच्छी है। मेरे परिवार मेरी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, ये मेरा आपस का मामला है, समझा क्या? अंदर चल। कैसे बेशर्मों की तरह बाप के सामने नशे में धूप खड़ा है? कौन सा पहली बार कर रहा है, ये तो इसका रोज रोज का नाटक है। सही बात है, इनके जो तमाशे घर के अंदर से सुनाई देते थे, क्या बताएं, इनकी तो नींद ही हराम हो गई है। अगर आपके इनकी नींद हराम हो रही है तो लोरी क्यों नहीं गाती आप? पर दूसरों के घरों में ना कान लगाना बंद कीजिए, यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चल रहा। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। नींद खराब करती है इससे तो। चल। अबे हम संभाल लेंगे। आपकी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हुई है वरुण। ये जो आज अभय के साथ में हो रहा है ना, ये सब नहीं होना चाहिए था, ये सब आपकी वजह से हो रहा है।
किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।